अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दिस इज़ योर कंप्यूटर लेक्चर एंड आई एम प्रोफेसर आयशा, योर सब्जेक्ट टीचर। थ्री डेट इज 4 दिसंबर 2020 एंड डे इज फ्राइडे। सो टेक आउट योर नोट्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन विच इज़ यूनिट नंबर 3, स्प्रेडशीट इन एक्सेल। एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस यूनिट इन टुडेज़ लेक्चर। सो ओपन योर नोट्स, पेज नंबर 23 एंड 24, क्वेश्चन नंबर 3, which is what is the purpose of the following functions, give one example of each. And the functions are sum, product, average, square root, power, maximum and minimum. So let's start. What is the purpose of the function sum? The sum function adds all the numbers that user specifies as arguments. Each argument can be range, a cell reference, an array, a constant, a formula और the result from another function. Sum का purpose क्या है कि हम sum के function को use करते हैं कोई भी two values या more than two values को add करने के लिए। वो हमारी cell range भी हो सकती है, वो cell का reference भी हो सकता है, वो कोई array भी हो सकती है, कोई constant भी हो सकता है, कोई formula भी हो सकता है, जिनकी help से हम किसी भी चीज़ को sum कर सकते हैं, कोई भी numbers को sum कर सकते हैं। For example, हमने sum का formula use किस तरह करना है, इज़ इक्वल्स टू, हमने इस इक्वल्स का साइन लास्ट में लगाना है, इज इक्वल्स टू सम, सम कैपिटल लेटर्स में लिख के इन ब्रैकेट्स फर्स्ट नंबर कॉलन सेकंड नंबर। सेकंड फंक्शन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं, द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट्स एंड द रिटर्न्स द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फंक्शन इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी भी गिवन नंबर्स को का प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी भी एग्जांपल इस तरह, इसका फॉर्मूला हम किस तरह यूज़ करते हैं, इक्वल्स का साइन लगा के देन प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट इन कैपिटल लेटर्स इन ब्रैकेट्स फर्स्ट नंबर कोमा सेकंड नंबर। थर्ड वन इज एवरेज। एवरेज किस लिए यूज़ होता है, एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द आर्गुमेंट। हमने जब एक बहुत सारे नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, इक्वल्स एवरेज इन कैपिटल लेटर्स देन इन ब्रैकेट्स फर्स्ट नंबर कॉलन सेकेंड नंबर। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना, अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो मे बी वो एरर दे दे और हमें रिजल्ट नहीं देगा। देन पार, पार का बटन, पार फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू पार। हमने अगर किसी भी नंबर की पार फाइंड करने के लिए कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है तो किसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पार का। इट्स जनरल फॉर्म इज इक्वल्स टू पार इन कैपिटल लेटर्स इन ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमने वो नंबर लिखना है, देन कोमा लगाना है, देन उसकी पावर लिखनी है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो नंबर इज़ द बेस नंबर। नंबर हमारा बेस नंबर होगा, इट कैन बी एनी रियल नंबर, या कोई भी नंबर हो सकता है। एंड पार इज़ द एक्सपोनेंट टू विच द बेस नंबर इज रेज्ड। और पार में हम वो नंबर लिखेंगे जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट। एस क्यू आर टी फंक्शन कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। इस फंक्शन को हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी इन कैपिटल लेटर्स एंड द नंबर विच वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। सेकेंड लास्ट इज मैक्स। मैक्स इज फॉर मैक्सिमम नंबर। द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में से जिस हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो हम वहाँ पे मैक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू मैक्स इन कैपिटल लेटर्स एम ए एक्स एंड अंडर ब्रैकेट्स फर्स्ट नंबर कॉलन सेकेंड नंबर। लास्ट वन इज मिन। मिन इज़ फॉर मिनिमम। द मिन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ फ्रॉम अ सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। इसमें से जब हमने बहुत सारे नंबर्स में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम मिनिमम का फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू मेन इन कैपिटल लेटर्स अंडर ब्रैकेट्स फर्स्ट नंबर कॉलन सेकेंड नंबर। सो नाउ लेट्स वॉच एन वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे फंक्शंस और फार्मूलाज हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऐसी जगहों पे जहाँ, लेकिन एक्सेल कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें आप पैरामीटर्स देंगे तो बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे कि ये देखिए मल्टीप्लाई 100, ये श्योर है कि जब आप किसी भी
वैल्यूज का परसेंटेज निकालेंगे तो एक वैल्यू होगी ऑब्टेन मार्क्स, जिसको आप कह सकते हैं टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई 100 तो होगा ही होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई 100 होगा ये एक्सेल ऑटोमेटिक बैक एंड पे करता है और आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और आपका काम क्या होता है कि सिर्फ इनिशियल वैल्यू या जो बेस होती है, मतलब आपने 600 का मालूम करना है, 800 में से परसेंटेज मालूम करना है, तो ये दो वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी, बाकी मल्टीप्लाई 100 खुद होगा। तो वो उसको कहते हैं फंक्शंस, यानी प्री डिफाइंड जो फार्मूलाज होते हैं जो पहले से लिखे गए होते हैं और आपको सिर्फ एंड रिजल्ट मिलता है, उसको कहते हैं फंक्शंस। जैसे कि फंक्शन सम का हो गया, ठीक है, सम इफ का हो गया, एवरेज का हो गया। अब ये फंक्शंस हैं जिसमें आप जस्ट पैरामीटर्स देते हैं। देखिए मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ और बाकी एक्सेल जो है वो खुद मैनेज कर रहा है। एंटर करूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो ये फंक्शन है, फंक्शन। और अगर इसको आप मैनुअल करेंगे एवरेज के अलावा, इसी तरह मैनुअल प्लस प्लस करके डिवाइड करके इन सबका काउंट करके डिवाइड करेंगे तो उसको फार्मूला कहेंगे। तो ये फ़र्क है फार्मूला और फंक्शन में। तो एंटर कैसे करेंगे फार्मूला और फंक्शन, सिंपल जैसे टेक्स्ट एंटर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपको फार्मूला या फंक्शन से पहले इक्वल का साइन डालना होगा। एट द रेट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज हो रहा है वो इक्वल का साइन है। आप इक्वल का साइन डालें उसके बाद फार्मूला लिखना शुरू करें या फंक्शन लिखना शुरू करें तो आपका रिजल्ट आपके पास होगा जब आप एंटर प्रेस करेंगे। देखें मैं यहाँ पे करता हूँ 12 माइनस 2, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास समली का सम का फंक्शन होता है, मुख्तलिफ नंबर्स को आपस में प्लस करना या जमा करना। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिटवीन फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। सो यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर कंप्यूटर्स। नाउ दिस इज़ योर होम टास्क, राइट दिस क्वेश्चन नीटली ऑन योर कॉपीज, ऑल्सो लर्न ऑल द फंक्शंस ऑफ एक्सेल विंडोज। इट्स बेटर फॉर यू टू डू प्रैक्टिस ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड आई होप इंशाल्लाह यू विल टू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।